रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। आर रेडियो खांची 90.4 हम सबका रेडियो में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर मालती वागीसा लकड़ा, सहायक प्राध्यापक, नागपुर विभाग, डोरंडा महाविद्यालय, रांची। आज की चर्चा का विषय है स्वर्गीय कार्तिक उरांव, जो कि स्नातक सेमेस्टर 6 के पाठ्यक्रमानुसार DSEC 3 के अंतर्गत इकाई 2 की विषय वस्तु है। कार्तिक उरांव का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन 29 अक्टूबर 1924 को लिट्टा टोली में हुआ था, जो गुमला जिले के करौंदा में अवस्थित है। इनके पिता श्री जायरा उरांव एवं माता श्रीमती बिरसी उरांव थी। ये एक गरीब किसान थे। जैसा कि झारखंड में आम विद्यार्थियों का जीवन होता है, खासकर आदिवासी और सदानों की पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती बाड़ी, हल बैल और गोरखी भी चलता है। कार्तिक उरांव का बचपन इससे अछूता नहीं था। इनकी शिक्षा क्रमवार इस प्रकार हुई। 1930 में खोरा जामटोली लोअर प्राइमरी स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया। 1934 में गुमला उच्च विद्यालय में प्रवेश हुआ। 1942 में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसमें गणित और अंग्रेजी में डिस्टिंक्शन प्राप्त किया। आगे की पढ़ाई गरीबी के कारण स्थगित हो गई एवं अपने ही स्कूल में किराने की नौकरी की, किंतु कुछ रकम जमा होते ही 1944 में पटना साइंस कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। 1948 में स्नातक की परीक्षा अभियांत्रिकी में पास की और 1950 से अभियंता की नौकरी करते रहे। सर्वप्रथम बिहार सरकार के सिंचाई विभाग में अभियंता बने। चाईबासा के बाद चंपारण के रामनगर में इनका स्थानांतरण हुआ। यहां सिंचाई विभाग के SDO बने। 1952 में उच्चतर अध्ययन के लिए ओवरसीज छात्रवृत्ति स्वीकृत हुई और 1952 से 1961 तक रॉयल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लंदन से SSC इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इनकी डिग्रियों में 9 वर्षों तक लगातार विभिन्न उच्चतर डिग्रियां इंजीनियरिंग से संबंधित इंग्लैंड और अमेरिका आदि देशों से ये लेते रहे। इनकी डिग्रियों की एक लंबी सूची है। हाँ, इन डिग्रियों को प्राप्त करने में इन्हें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इन्हें विदेशों में अर्थ प्राप्ति के लिए होटलों में अतिरिक्त समय में काम भी करना पड़ा। इनकी प्रतिभा को देखते हुए इन्हें इंग्लैंड में ही ब्रिटिश अंडरग्राउंड रेलवे में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पद पर बहाल कर लिया गया। यहाँ के बाद इन्हें ब्रिटिश एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट लंदन में सिविल इंजीनियर के रूप में नियुक्त किया गया। झारखंड के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि विश्व के सबसे बड़े परमाणु विद्युत संयंत्र हिक्सले पॉइंट में ये प्रमुख डिजाइनरों में से एक थे। 4 जून 1950 को इनका विवाह सुमति उरांव से हुआ, जो बिहार सरकार के डिप्टी कलेक्टर तेजू भगत की पुत्री थी। विवाह के बाद ये पुनः लंदन चले गए। लगभग 9 वर्ष बाद 9 जून 1959 को संयोगवश इंडिया हाउस में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी मुलाकात हुई। इनकी प्रतिभा के ये भी कायल हो गए और उन्हें भारत लौट आने का निमंत्रण दे डाला। 2 वर्ष बाद कार्तिक उरांव विदेश से महत्वपूर्ण नौकरी छोड़कर भारत लौट आए। यहाँ HEC में सुपरिंटेंडेंट कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन के पद पर इनकी नियुक्ति तत्काल कर ली गई, लेकिन HEC की दशा से ये शीघ्र परिचित हो गए। यहाँ की नियुक्तियों में काफी मनमानी हो रही थी। कार्तिक उरांव चाहते थे कि तीसरे और चौथे वर्ग के पदों पर स्थानीय लोगों की ही नियुक्ति हो, विस्थापितों पर पहले ध्यान दिया जाए। लेकिन इनके अथक प्रयास के बावजूद HEC के लिए विस्थापितों को उनकी क्षतिपूर्ति, उनकी नौकरी, उन्हें बसाने की योजना आदि विषयों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता था। बाध्य होकर इन्होंने राजनीति में आने का संकल्प लिया। 1962 में आम चुनाव में कांग्रेस की टिकट पर ये चुनाव लड़े और
हार गए। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो चुका था, लेकिन 1967 के आम चुनाव में ये सांसद बन गए। इंदिरा गांधी ने इन्हें उप मंत्री का पद देना चाहा, किंतु प्रतिष्ठा के प्रश्न पर इन्होंने उस पद को अस्वीकार कर दिया। 1972 में भी इसी तरह की स्थिति बनी रही। 1977 के चुनाव में कार्तिक उरांव सांसद तो नहीं बन पाए, लेकिन गुमला के बिसुनपुर विधानसभा में विधायक के रूप में इन्हें चुना गया। ये मंत्री भी बनाए गए। 1980 के चुनाव में ये पुनः सांसद बनकर आए। इस बार उन्हें केंद्रीय पर्यटन एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री ही बनाया गया। पुनः 8 जून 1980 को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री बनाया गया। कार्तिक उरांव के राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण कार्य था आदिवासी से ईसाई बनाए गए आदिवासियों का विरोध। उन्होंने साफ कहा था कि जो आदि धर्म छोड़कर चले गए हैं वे आदिवासी हैं ही नहीं, उन्हें आदिवासी का लाभ मिलना ही नहीं चाहिए। उनका सही अनुमान था कि आदिवासियों को मिलने वाली सुविधाओं में से 95% कब्जा इन्हीं बदले हुए आदिवासियों को ही मिलता है, जबकि मूल आदिवासी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए संविधान में संशोधन होना चाहिए। यह संशोधन आज भी अपेक्षित है और प्रासंगिक भी है। कार्तिक उरांव के स्वप्न को साकार करने की अति आवश्यकता है। कार्तिक उरांव के विरोध के कारण जो कर्मा और सरहुल चर्च आदि में मनाही थी, अब मनाई जाने लगी। हालांकि इसमें अभी कई विसंगतियां हैं। इनका एक स्वप्न था झारखंड में एक आदिवासी विश्वविद्यालय बने, और अपने इसी अधूरे सपने के साथ 8 दिसंबर 1981 को 57 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ये मारंगोम के जयपाल सिंह और सुशील कुमार बागे के समकालीन थे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी सांसद और मंत्री बनी। धन्यवाद।